तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में फर्स्ट क्वेश्चन में डाउट, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर थ्री में टू पॉइंट चार्जेस 20 × 10⁻⁶ और ये गिवन आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर इन एयर. फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द चार्जेस वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो. देखो आपके पास ना दो चार्जेस हैं, एक चार्ज की वैल्यू जो है वो कितनी गिवन है 20 × 10⁻⁶ और दूसरी कितनी गिवन है माइनस कितनी 4 × 10⁻⁶ सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. तो 50 सेंटीमीटर का मतलब 0.50 मीटर. आपको एक ऐसा पॉइंट ढूंढना है जहां पर नेट पोटेंशियल जीरो है. तो मान लो ये वो पॉइंट है, तो ये डिस्टेंस कितना है x, तो ये कितना है 0.50 - x. ठीक, तो इसके अंदर ये जो चार्ज है यहाँ पे पोटेंशियल लगाएगा 1/4πε0 20 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई x, और ये चार्ज भी यहाँ पोटेंशियल लगाएगा 1/4πε0 −4 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 0.50 - x और नेट पोटेंशियल क्या आएगा 0. x निकाल लेना. ठीक है, आ गया था आंसर वैसे इसका, आंसर आया था. ठीक है, तो ये एक्सक्यूज मी सर, हाँ बोलो सर, फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस में बनाना है. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ये वाला, यस सर, दो पॉइंट चार्जेस हैं 10 एंड सेकंड पार्ट में इक्विपोटेंशियल सरफेस आज हम करेंगे, अभी रुक जाओ, इसे कि आज हमने करनी है. तो क्वेश्चन नंबर थ्री ठीक है, तो आपको ये भी बताना है सर, सेकंड में बता दो. सेकंड में टू पॉइंट चार्जेस ए एंड बी जिसकी वैल्यू 15 और 9 है, 18 सेंटीमीटर पार्ट है. वर्क डन व्हेन चार्ज बी इज मूव्ड बाय 3 सेंटीमीटर टुवर्ड ए. तो ये तो हम ऐसा करेंगे ना, मान लो ये 15 है और ये मान लो 9 है, 0.18 मीटर अपार्ट है. तो आपको वर्क डन निकालना है जब बी, तो ये ए है और ये बी है, तो बी को आपने मूव करवाया कितने सेंटीमीटर आगे 3 सेंटीमीटर. तो एक बात बताओ कि 18 सेंटीमीटर टोटल है, 3 सेंटीमीटर आगे आ गया, तो इसका मतलब ये 3 सेंटीमीटर है, तो ये कितने सेंटीमीटर है 15 सेंटीमीटर. तो आपको वर्क डन निकालना है यहाँ से, ठीक है ना. यस सर. अगर ये पॉइंट सी है तो आप एक काम क्यों नहीं करते, आप सी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लो इन दोनों चार्जेस का, आप बी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाल लो इन दोनों चार्जेस का, ठीक है, इसका इस चार्ज का रादर. Yes, अपने ऊपर पोटेंशियल तो लगाएगा नहीं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लेना, क्योंकि आप बी से सी जा रहे हो तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल. तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज. या फिर एक और तरीका है, एक और तरीका है, वो ज्यादा बेटर तरीका है, ऐसे मत करो. आप एक काम करो, आपको Q2 Q1 दो चार्जेस गिवन है, ठीक है, 18 सेंटीमीटर पार्ट. आप सिस्टम की इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, 1/4πε0 Q1 Q2 / 18 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेना. जब 3 सेंटीमीटर पास आ गए तो नया डिस्टेंस कितना हो गया 15 सेंटीमीटर. अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेना, 1/4πε0 Q1 Q2 / 15 सेंटीमीटर यानी कि 0.15. दोनों को माइनस कर देना, वर्क डन आ जाएगा, डन, बात ही खत्म. तो पॉइंट समझ में आ रहा है, ये ज्यादा बेटर है, क्लियर है. तो आप इनिशियल एनर्जी निकाल लो, अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, दोनों को माइनस करो, इट विल गिव द अमाउंट ऑफ वर्क डन. कोई डाउट इसमें? ठीक है यहां तक. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर, देखो फोर्थ में कितने लोगों का फोर्थ हो गया था. तो इस क्वेश्चन के अंदर दो चार्जेस हैं जिसका मैग्नीट्यूड 5 और -2 नैनोकूलम है, आर प्लेस्ड एट 2 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर. आपको निकालना है इफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज -0.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. तो एक बात बताओ, आपको सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर ये गिवन है, जो पहला चार्ज है जैसे वो 5 नैनोकूलम है, नैनो का मतलब 5 × 10⁻⁹ कूलम है, और दूसरा चार्ज कितना है, दूसरा चार्ज है -2 नैनोकूलम है, -2 नैनोकूलम ये रहा आपके पास, ये दूसरा चार्ज है. तो दीज आर सेपरेटेड, ये एक्स एक्सिस पे हैं. तो अगर ये x इज इक्वल टू 0 का पॉइंट है तो ये x इज इक्वल टू कितने का पॉइंट है, 2 का पॉइंट है, और ये x पॉइंट है, चेक कर लो यही कोऑर्डिनेट्स गिवन है. तो इन दोनों के बीच में जो सेपरेशन है वो क्या बनेगी, x माइनस 2. तो
डिस्टेंस जो लेने हैं वो एक्स माइनस टू लेने हैं, तो सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, वन बाय फोर पाई एप्सिलॉन नॉट फाइव इंटू टेन की पावर माइनस नाइन इंटू माइनस टू इंटू टेन रेज टू पावर माइनस नाइन डिवाइडेड बाय एक्स माइनस टू इज इक्वल टू, ये एनर्जी आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना माइक्रो कूलम है, 0.5 माइक्रो कूलम है, ये लो, तो इतने जूल हो गया, माइक्रो जूल है सॉरी। तो यहां से सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कैन बी कैलकुलेट, मतलब इसमें जो डिस्टेंस है वो टू नहीं पुट करना, डिस्टेंस इसमें एक्स माइनस टू पुट करना, ये इंपॉर्टेंट है इसमें, ठीक है यहां तक, तो ये वैल्यू आएगी इसमें, राइट ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव में, फाइव क्लियर है, फाइव का आंसर 2700 जूल आ रहा है, हाँ फाइव के अंदर शायद फाइव और सिक्स में ना आंसर में कुछ गलत, हाँ ट्वेंटी कुछ आंसर सही नहीं है इसका, हाँ हाँ ट्वेंटी कुछ ऐसा आ रहा है, बिल्कुल सही है, ये गलत है आंसर, ये आंसर सही नहीं है, ठीक है पर आता तो है ना, करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सेवन में सर, सिक्स एक बार बता दो, सिक्स तो यही है, ये वाली फिगर है, इसमें छह एनर्जीज लेनी है, एक दो तीन चार पांच और छह ऐड कर दो सर, टू प्लस रूट टू आएगा ना ब्रैकेट में, इसका आंसर भी गलत है, ये भी गलत है आंसर, दोनों का गलत है, ये दोनों का दोनों गलत है, ओके सर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एट, क्वेश्चन नंबर नाइन, नहीं आ रहा आंसर नाइन्थ का, नाइन्थ का आंसर ये नहीं आ रहा, किसी का आया है, नाइन्थ का आया है, अच्छा फिर चेक करना पड़ेगा मुझे, नाइन्थ का आया, अच्छा फिर कैलकुलेशन एक बार चेक करना। क्वेश्चन नंबर टेन, टेन ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, कितने लोगों ने 11th कर दिया, 11th क्वेश्चन कितने लोगों को समझ में आ गया, आ गया, आ गया था आंसर 11th, अनन्या नहीं, देखो 11th क्वेश्चन है कि सपोज करो, देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, एक बार ध्यान से देखो इसमें क्या करना है, सपोज करो इसके अंदर वो कह रहा है कि एक ना आपके पास क्यूब है, ठीक है एक क्यूब है, इस क्यूब के हर कोने पे इलेक्ट्रॉन है, ये रहा इलेक्ट्रॉन, हर कोने पे इलेक्ट्रॉन है ठीक, और बिल्कुल सेंटर पे क्यूब की साइड ए है, सेंटर पे अल्फा पार्टिकल पड़ा है, वो कह रहे हैं जिसके ऊपर चार्ज टू ई है, आपको सिस्टम की एनर्जी निकालनी है पोटेंशियल, ये क्वेश्चन है ठीक है। तो अगर ये देखो एक स्क्वायर होता तो बड़ा आसान था, छह एनर्जी थी, एक दो तीन चार पांच और छह, ये क्यूब है, तो क्यूब का जो डायगोनल होता है वो क्या होता है, रूट थ्री है, और क्यूब के कोने से सेंटर का डिस्टेंस क्या होगा, रूट थ्री है डिवाइडेड बाय टू, ठीक है। अब ध्यान से देखना मैं एनर्जी कैसे निकालूंगा, ऐसे तो मैं नहीं निकाल पाऊंगा, मान लो ये रूम एक क्यूब है और आठ इलेक्ट्रॉन्स कहां पर हैं, एक दो तीन चार पांच छ सात आठ, ठीक है, और सेंटर पे क्या पड़ा हुआ है, यहां पर अल्फा पार्टिकल टू ही चार्ज है, तो शुरू करें, सबसे पहले उस कोने के चार्ज से शुरू करते हैं, उसकी एनर्जी कैसे निकलेगी, एक नीचे वाले इलेक्ट्रॉन के साथ 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ई इंटू ई बाई ए, दूसरी उस इलेक्ट्रॉन के साथ दो, तीसरी इस इलेक्ट्रॉन के साथ तीन, नेक्स्ट एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, ठीक है। अब उस इलेक्ट्रॉन की बात करें, वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कैसे निकलेगी, इसके साथ, पर इसके साथ तो ऑलरेडी हमने ले ली है तो वो मत लेना, नीचे वाले के साथ, फिर उसके साथ, ठीक, इमेजिन करो अपने पड़ोसियों के साथ ले रहा है वो, फिर ऐसे उस इलेक्ट्रॉन का लेना, एक दो तीन हो चुकी,
फिर उस इलेक्ट्रॉन का ये हो चुकी एक और ये भी हो चुके, तो काउंट कर लेना इसमें मेरे ख्याल से 8 के आसपास आंसर आएगा। तो एक तो ये एनर्जीज हो गई। अब फिर से शुरू करते हैं, एक वही इलेक्ट्रॉन से शुरू करेंगे, उसने इमीडिएट इलेक्ट्रॉन जो उसके एडजेसेंट पड़ोसी इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी एनर्जी तो उसने ले ली, जो कि एक दो और तीन सबका हो गया। अब वो इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन इन पड़ोसियों के अलावा हर इलेक्ट्रॉन के साथ है, तो एक बनेगा उस इस दीवार का डायगोनल, मतलब इस दीवार का यहां से लेके ये वाला डायगोनल। तो अभी तक हमने एनर्जी कौन कौन सी ली, अभी तक ये ली, अभी तक ये ली और ये ली, फिर ऐसे इस इलेक्ट्रॉन की ये ली और ये ली, रादर ये दो बार नहीं लेनी, एक बार ऑलरेडी ले चुके हैं हम इसमें, ठीक कट कर रहा हूं मैं इसे। फिर इस इलेक्ट्रॉन की ये लेनी नहीं क्योंकि ये ऑलरेडी ले चुके, ये ली और ये ली, इस इलेक्ट्रॉन की ये ली, ये ली, इसकी नहीं लेंगे ऑलरेडी एक जगह से लेंगे, और इसकी ले लेंगे, इसकी रहने देंगे ऐसे, तो काउंट कर लें एक ही। नेक्स्ट है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके साथ, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके साथ, ठीक है ये पेयर भी हो गया, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके साथ, इसके साथ, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके साथ, इसके साथ, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इसके साथ, इसके साथ। तो ये जो एक शीट, दो शीट, तीन, चार, पांच और छह, ऐसे कितने क्रॉस बनेंगे, छह, एक, दो, तीन, चार, पांच और छह। तो छह एनर्जी यहां से और आ गई आपके पास, ठीक, छह फेस की एनर्जी रादर और आ गई आपके पास। अब लास्ट में रह गया यहां पे 2E। अब 2E के साथ हर कोई इंटरेक्ट करेगा इलेक्ट्रॉन, तो एक एनर्जी वहां से √3 1/4 πε₀e × 2E, -e/2e रादर, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, डिवाइडेड बाय √3 या डिवाइडेड बाय 2, ऐसे दूसरे इलेक्ट्रॉन की, तीसरे की, चौथे की, पांच, छह, सात और आठ, आठ इलेक्ट्रॉन्स हैं हर वर्टेक्स पे, तो आठ एनर्जीज इसकी वजह से होंगे। सारी एनर्जीज को ऐड करके आंसर आएगा। तो अगर आप इसको इस तरीके से देखें, ये देखो, तो क्वेश्चन नंबर 11, ये देखो ये रहा इसका सॉल्यूशन, जिसमें क्या मेंशन है, आठ एनर्जी तो -e और 2e की हैं, -e और अल्फा पार्टिकल की 2e की, ये रही √3/2, आठ एनर्जी ये हो गई, बाकी एनर्जी डायगनल वाली होगी। डायगनल कैसे, ये एक डायगनल है ऐसी, वो एक डायगनल है, तो ये डायगनल की एनर्जी √3a की हो गई, -e और e की। नेक्स्ट 12 एनर्जी होगी √2a, √2a का मतलब क्या है, ये क्रॉस, एक, दो, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, तो 12 एनर्जी इस एक एक फेस की होगी क्रॉस वाली, तो 12 एनर्जी ये ले ली, और 12 एनर्जी कौन सी ले ली, साइडों वाली, एक, दो, तीन, चार, ऐसी पांच, छ, सात, आठ, नौ, 10, 11, 12, तो 12 एनर्जी इसकी होगी, सबको ऐड करके आंसर आएगा। पॉइंट समझ में आ रहा है कि कैसे सोचना है, इसमें कॉम्प्लेक्स है लेकिन आपको सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन आपने इसमें कंसिडर किए हैं, ठीक है यहां तक ऑनलाइन क्लियर है, यस सर, यस सर, ठीक है। 12th क्वेश्चन, 12th में दो आइडेंटिकल पार्टिकल्स हैं, ईच हैविंग अ चार्ज ऑफ गिवन एंड मास भी गिवन, आर केप्ट एट सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड रिलीज्ड, तो 10 सेंटीमीटर पे है और छोड़ दिया, तो दोनों आइडेंटिकल हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल, और इन फाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएंगे, तो आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी बतानी है, स्पीड बतानी है। लास्ट टाइम हमने सेम क्वेश्चन किया था, उसमें क्या किया था, इनफाइनाइट डिस्टेंस से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, रुकते हैं फॉर एन इंस्टेंट एट अ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, क्या किया था, ½mv² + ½mv² = इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी 1/4 πε₀e × e/r, इसमें उल्टा है, यहां पर पकड़ के रखा वो 10 सेंटीमीटर पे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का काइनेटिक जीरो इनिशियली, तो 1/4 πε₀e × e/r छोड़ दिया, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल क्या हो गई, जीरो, काइनेटिक क्या होगी, ½mv² + ½mv² ऐड कर दिया, तो यहां से वी की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13,
थर्टींथ में डायपोल का क्वेश्चन है, पिछले चैप्टर का क्वेश्चन है ये डायपोल का। डायपोल के अंदर क्या गिवन है, डायपोल मोमेंट पी गिवन है और उसको घुमाना है हमने फ्रॉम स्टेबल इक्विलिब्रियम टू अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। हमने किया था ये टेस्ट के अंदर भी, मैंने क्वेश्चन सेम डाला था। और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, तो आपको याद होगा वर्क डन इन रोटेटिंग अ डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड का चैप्टर है। जब आप उसमें सुनेंगे पुराना चैप्टर तो उसमें दिखेगा आपको, बाकी वो क्लियर है। वर्क डन का फॉर्मूला था डायपोल में सेकंड चैप्टर में, पीई इंटू कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। स्टेबल इक्विलिब्रियम में बताया था मैंने एंगल जीरो होता है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में एंगल 180 होता है, तो कॉस जीरो माइनस कॉस 180 आंसर। तो इसका आंसर होगा ठीक है यहां तक। एक और शीट थी इसी में, शीट नंबर 6 थी पोटेंशियल की। 6 शीट के अंदर ना कुछ क्वेश्चन तो मैं डिस्कस कर सकता हूं, लेकिन कुछ क्वेश्चन इसमें डाल रखे हैं शेल्स को लेके, फेयर को लेके, जो हमने अभी किए नहीं है। आज हम शेल से पहले का सारा काम कर लेंगे और एक लेक्चर और बचा हुआ है जो अगली बार शेल्स का लेक्चर होगा, और पोटेंशियल हमारा पूरी तरह क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। फिर हम कैपेसिटर्स के ऊपर काम करेंगे। तो कहने का मतलब कि कुछ क्वेश्चंस इसमें मैं नहीं डिस्कस करूंगा, जो अगले लेक्चर के ऊपर बेस्ड है वो जब हो जाएगा तो अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। जो पॉइंट चार्जेस के हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में डाउट, ठीक, क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट, क्वेश्चन नंबर 4 में डाउट। यस सर। 4 में ए और बी आर लोकेटेड इन डायमेट्रिकली ऑपोजिट डायरेक्शन एट अ ऑफ अ पॉइंट चार्ज 2 माइक्रोकूलम एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 एंड 1 मीटर। तो देखो ना, ए पॉइंट चार्जेस हैं तो कितना, 2 माइक्रोकूलम के, 2 माइक्रोकूलम के इधर भी पॉइंट है ए और इधर भी पॉइंट है बी, मतलब एक इधर लेना है एक इधर लेना है। तो 2 माइक्रोकूलम ए पे पोटेंशियल लगाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2/r, और बी पे भी लगाएगा, वो पोटेंशियल निकाल के दोनों को माइनस करके आंसर आ जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बस। सर जीरो नहीं आएगा इसका आंसर, जीरो सेम ही क्योंकि आएगा क्योंकि 2 मीटर पोटेंशियल। 1 मीटर जीरो कैसे आएगा, एक डिस्टेंस 2 है 1 है, ओके सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 नहीं होगा, हॉलो स्फीयर है, नहीं करना अभी। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7, 6, 2 पॉइंट चार्जेस 10 और 20 है, 2 सेंटीमीटर अपार्ट है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द मिडिल पॉइंट ऑफ द लाइन लाइन ज्वाइनिंग टू चार्जेस। तो मिडिल पॉइंट का मतलब 1 1 सेंटीमीटर पे, तो ये 1 सेंटीमीटर पे क्या लगाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 × 10^6 − 1 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये भी क्या लगाएगा, Q/R ऐड कर देंगे आंसर। फॉर्मूला भी इस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, 9, नाइन्थ हो गया। सर नाइन्थ बता दो। नाइन्थ में कंफ्यूज करने के लिए लंबी स्टेटमेंट है अंदर कुछ भी नहीं। एक चार्ज है क्यू जिसकी वैल्यू गिवन है 1 माइक्रोकूलम, 1 माइक्रोकूलम यहां पर पोटेंशियल लगाएगा वी बी, 1 माइक्रोकूलम यहां पे पोटेंशियल लगाएगा वी ए। कह रहे पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दो, तो निकाल देना वी बी माइनस या वी ए माइनस वी बी, एक आंसर। फिर कह रहे फिगर चेंज हो गई, क्यू चार्ज 1 माइक्रोकूलम यहां रख दिया, 1 माइक्रोकूलम बी पॉइंट पे पोटेंशियल लगाएगा, 1 माइक्रोकूलम ए पे पोटेंशियल लगाएगा, फिर दोनों को माइनस कर दो, आंसर एग्जैक्टली सेम आएगा। वो क्यों, क्योंकि क्यू चार्ज का डिस्टेंस बी से ना इधर चेंज हुआ ना इधर चेंज हुआ, ना इधर चेंज हुआ ना इधर, तो पोटेंशियल की वैल्यू तो स्केलर है, वो तो डिस्टेंस देखती है और चार्ज देखती है, तो आंसर दोनों में एग्जैक्टली सेम आएगा, Q/R Q/R। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10, 10th में स्मॉल स्फेयर्स, ये नहीं करना अभी, स्फेयर्स है। क्वेश्चन नंबर 11, 11th में साइड ऑफ रेक्टेंगल, ये सब गिवन है, आपको निकालना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए एंड सी, ए और सी। तो देखो ए पॉइंट पर पोटेंशियल कौन लगाएगा, एक तो -5 लगाएगा, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट दिस अपॉन दिस, एक 2 कूलम लगाएगा ऐड कर देंगे, और सी पॉइंट पर -5 भी लगाएगा और 2 भी लगाएगा ऐड कर देंगे, सिंपल। तो आ गया पोटेंशियल। और क्या निकालना है इसमें, वर्क डन इन कैरिंग अ चार्ज 3 कूलम फ्रॉम ए टू सी, ए और सी का पोटेंशियल तो आ गया क्योंकि आपने चार्ज को कहां से कहां लेके जाना है, ए से लेके सी पे, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज, जो चार्ज की जगह ये पुट कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी। पॉइंट क्लियर है यहां तक, तो ये इसकी वैल्यू आ गई। क्वेश्चन नंबर 12,
13, 14, 14 चार्जेस ये गिवन है और तीन चार्जेस गिवन है और प्लेयर रिस्पेक्टिवली एट द कॉर्नर्स ऑफ बीसीडी ऑफ रेक्टेंगल एबीसीडी। तो आपको ए का पोटेंशियल निकालना है। तो ये तो मतलब इसमें तो कुछ किया ही नहीं उसने, इसने बी सी डी पे चार्जेस को रख दिया। ये रहा ए पॉइंट, ये बी पॉइंट है, ये सी है और ये डी है। तो चार्जेस गिवन है, यहाँ पे पोटेंशियल निकाल लो। तो डी भी लगाएगा, सी भी लगाएगा और बी भी ऐड कर दो आंसर। तो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है, जस्ट पोटेंशियल को ऐड ही तो करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 17, 17, टू चार्जेस गिवन आर हेल्ड फिक्स्ड एट अ सेपरेशन ऑफ 20, थर्ड चार्ज ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड इज प्लेस मिडवे बिटवीन द टू चार्जेस, इट इज नाउ मूव टू अ पॉइंट 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ द चार्जेस, कितना वर्क डन किया। देखो एक चार्ज है इसमें 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7, दूसरा भी 2 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 7 एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लेना। तीसरे चार्ज को रखा गया एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर फ्रॉम बोथ दी चार्जेस, तो 20 सेंटीमीटर इसमें ये डिस्टेंस होगा, ये वाला 20 सेंटीमीटर, क्योंकि ये 10 10 हो गया, ये 10 हो गया, ये भी 10 हो गया और ये 20। अब देखो ना ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, तो इक्विडिस्टेंट है और यहां पर भी चार्ज क्या रखा गया, इतना रखा गया। कहां से रखा गया, यहां से रखा गया, क्योंकि मिड पॉइंट से उठा के इसको यहां पर रखा जा रहा है। तो एक काम करेंगे, ये जो चार्ज को उठा के रख रहे हैं ये तो हो गया टेस्ट चार्ज, ये तो कंट्रीब्यूट करेगा नहीं पोटेंशियल में, ये करेगा और ये करेगा। तो आप इन दोनों का पोटेंशियल वन पॉइंट पे निकाल लो, इन दोनों का पोटेंशियल टू पॉइंट पे निकाल लो, क्योंकि आप चार्ज को वन से टू पे लेके गए, तो फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल इज अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट चार्ज। तो यहां से सॉल्व करके वर्क डन निकाल लेना। पॉइंट क्लियर है यहां तक कि कैसे करने, समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक, तो ठीक है, इसे क्लोज करते हैं।